तुलसी की माला तो हर कोई पहनना पसंद करता है, लेकिन क्या किसी को पता है कि तुलसी की माला पहनने का क्या महत्व है और इस माला को पहनने के क्या क्या नियम हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको तुलसी की माला पहनने के नियम बताते हैं। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। मित्रों, आज जानते हैं कि तुलसी माला का महत्व। तुलसी की माला के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि तुलसी की माला का जो कार्यकाल है, तुलसी की जो माला होती है वो एक साधारण माला नहीं है। लोग साक्षात प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री विष्णु भगवान की आराध्य कृपा की माला है। जब कभी हम तुलसी माला को धारण करें तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, वही इस तुलसी की माला को धारण करें। भाव की दृष्टि को देखें तो पंचांग के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी की माला को धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। व्यक्ति अगर देखें तो इस तुलसी की माला को अपने बक्स स्तर पर जो है लक्ष्मी रूप के रूप में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि क्या है, इसको कैसे धारण करें? प्रातः काल में पूर्वाधि मुख होकर जब कभी आपको तुलसी की माला को पहनना हो तो उसमें बुधवार, गुरुवार या सोमवार और प्रदोष काल का जब समय हो तब तुलसी की माला को धारण करें। लेकिन रविवार और अमावस्या को कभी भी तुलसी की माला को धारण ना करें। अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो इसका जो शुभ मुहूर्त होता है, जिस व्यक्ति को तुलसी की माला धारण करते हैं या धारण करने चाहिए, ऐसे व्यक्ति उनको मात मसला यानी कि पिये पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर कभी भी तुलसी की माला को जब हम धारण करते हैं तो अपने विचार को साफ सुथरा रखना चाहिए, आचार विचार को रखना चाहिए, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण और श्री भगवान विष्णु की आराधना आप अवश्य करें। अगर हम तुलसी की माला को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक माला हमें अपने इष्ट देव के नाम से जपमाला करना चाहिए। जपमाला करने से हमको विशेष लाभ होता है, सुख समृद्धि आयु की प्राप्ति होती है, घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तुलसी की माला के साथ कभी भी रुद्राक्ष की माला को ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। जो वैष्णव संप्रदाय है वो अवश्य ही तुलसी की माला को आप अवश्य धारण करें। इसमें जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो दो तुलसी की माला को जोड़कर ही कंठ में धारण करते हैं। कभी भी अगर आप तुलसी की धारण माला का प्रण ले चुके हैं और अगर वो बाई चांस खंडित हो जाती है तो उसको बहते जल में प्रवाह करें।